रही हूँ जुलेखा। जुलेखा जुबैद। जी सर। ये फाइल जरा शनाज साहब के कैबिन में रख देना। ठीक सर। हाँ? मुझे तुम्हारे दो मिनट चाहिए। हाँ हाँ बोलो। ये देखो। क्या ये? मैं आपसे अकेले में मिलना चाहती हूँ जुलेखा। क्या चक्कर है भाई, लड़के के बजाय लड़की। प्लीज कभी तो सीरियस हो जाया करो। ओके बाबा। ये पेपर मुझे इब्राहिम खलील के गांव में एक लड़की ने दिया था। इब्राहिम खलील के गांव में जुलेखा। मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा, कौन लड़की थी ये? मुझे इसलिए याद है कि इस लड़की ने मुझसे हाथ मिलाते हुए चुपके से ही पेपर थमा दिया। अजीब सा लगा था मुझे। फिर तुमने उसी दिन मुझे क्यों नहीं बताया? उस दिन ऐसी इमरजेंसी पड़ी थी कि मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने खुद इसे बगैर पढ़े अपने पर्स में रख लिया। वो तो आज पर्स साफ कर रही थी तो ये निकल आया। सवाल ये है कि इस लड़की ने चुपके से तुम्हें रोका क्यों दिया? हो सकता है कि वो लड़की अकेले में मुझे कोई अपनी प्रॉब्लम बताना चाहती हो। बहरहाल तुम इस लड़की को अपने जहन में रखना, हो सकता है अगली बार जब हम जाएं तो इससे मुलाकात हो जाए। तुम्हारा फिर से वहां जाने का इरादा है क्या? Let's see. बाबा सिंह, मुझे अभी तक आपके फैसले की समझ नहीं आ रही। आप आखिर रहीम यार खान से क्यों इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? बेटा बात यह है कि जी सबाहत के मामू हमेशा उस सीट से लड़ा करते थे और जीत भी जाते थे। अब हो गया है उनका इंतकाल, तो अब जी सबाहत के बाबा ने मुझे कहा है कि मैं उस सीट से इलेक्शन लड़ूं। ठीक है, तो फिर वो खुद क्यों नहीं खड़े हो जाते? या आपने किसी बेटे को क्यों नहीं इलेक्शन लड़वाते वहां से? अरे बाबा, अगर उसने मुझे कहा है तो इसमें तुम्हें क्या एतराज है? बल्कि वो हलका भी हमारे ही हाथ लग जाएगा। मैं ये चाह रहा हूं कि आप अपने ही इलाके से इलेक्शन लड़ें, वरना फिर मैं अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पाऊंगा। वाह 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 वाह, तुम्हारे ख्याल में तुम अगर यहां से इलेक्शन लड़ोगे तो अपने दूसरे कारोबार नहीं कर सकोगे? शाबाश, बड़ी अजीब बात की है तुमने बेटा। अरे हम सारी उम्र यहां से इलेक्शन लड़ते रहे हैं तो क्या हम दूसरे कारोबार नहीं कर रहे? बाबा सही, शहर में मेरी बहुत मसरूफियात है। अरे बाबा, तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा गाँव कराची से है ही कितना दूर, 2 घंटे का फासला है। तुम्हें हफ्ते में कम से कम 2 दिन यहां रहना पड़ेगा। बाबा सिंह, मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि आगे चैंबर के इलेक्शंस हैं। वो लोग पहले ही मुझसे कह चुके हैं। वाह वाह वाह, चैंबर शैंबर, दूसरों का तो ख्याल है तुम्हें बाबा, अपने आबाई गद्दी का कोई ख्याल नहीं है। जानते हो वो छोरा आदिल इस गांव में तुम्हारी गैर मौजूदगी में बहुत पॉपुलर हो रहा था, मकबूल हो रहा था। आदिल मसर साहब का बेटा? हाँ हाँ, वही छोरा आदिल। बाबा उसकी छोटी बड़ी बात को गांव वाले बहुत मानने लगे थे, शायद इसलिए कि वो पढ़ा लिखा है। लेकिन बाबा, हमने गांव वालों को पढ़ाई लिखाई की इजाजत इसलिए तो नहीं दी थी कि वो हमारी बराबरी करने लगे। सही, वो हमारी बराबरी करने का सोच भी नहीं सकते। बाबा छोटे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता, अरे इसीलिए तो हमने उसे गांव से निकाल दिया है। बाबा सही, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। वो लोग हमारी बराबरी करने का या हमारे सामने इलेक्शन लड़ने का सोच भी नहीं सकते। देखो, हमारे बुजुर्गों ने कहा है सांप को सर उठाने से पहले ही कुचल देना चाहिए। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अनोखा। बाबा साईं, बाबा साईं, वही टिपिकल वडेरों वाली सोच।
अरे बाबा, इसी सोच के सहारे तो हम इस आबाई गति को संभाले हुए हैं। ये हमारे बुजुर्गों की अमानत है बाबा, जो हम तुम्हें सौंपना चाहते हैं। बाबा सही, आप कुछ जल्दी नहीं कर रहे? कोई जल्दी नहीं। देखो, मैं जब तुम्हारी उम्र का था ना, तो बाबा मरहयात ने अपनी सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी। बाबा, मैं अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलता रहा हूँ, चल रहा हूँ, मरते दम तक चलता रहूंगा। इसी में तेरी मेरी हम सब की भलाई है बेटा। ठीक है बस। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं जरा मेहमान खाने से हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। खाता है क्या? हाँ, वो तो रोटी चावल तमाम वो खाता हूँ। पर फिर इतना कमजोर क्यों? पर सोसेस को हल्का सा बुखार है। हाय मैं मर गई। बुखार? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बुखार ज्यादा नहीं था, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। अब तो नहीं है, इसके टेस्ट कराने थे। आजकल बुखार की सूरत में बहुत सी बीमारियाँ आ गई है, खुदा ना खास्ता कहीं डेंगू ना हो। अम्मा, अब नहीं है बुखार, बुखार नहीं है अब। इसीलिए परसों से मेरा दिल बहुत बेचैन था। दिल तो बेचैन होगा, पर माँ का दिल है। अम्मा सदके पुत्र, इसको ढेर सारे फल खिलाना। आम ताऊ ना मम्मा, ये पीले आम, ये बहुत सारे आम, सारे ढेर सारे सब तो ये ले लाएंगे। हाँ हाँ ताऊ ना मैं, हाँ पीले पीले, हाँ हाँ पीले पीले। तस्वीर के देख, ऐसे पकड़ के ना ये वाला बटन तूने दबाना। मंसूर, अम्मा के साथ तस्वीर खिंचाएगा? तस्वीर? हाँ, तस्वीर खिंचाना है। रेडी? रेडी, रेडी। ठीक है। एक और, एक और, एक और, अम्मा के साथ।